जिंदा या मुर्दा। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां कमला नाम की एक औरत रहती है, संयुक्त परिवार में और खुशहाल परिवार में। एक दिन वह कपड़े धोकर रस्सी पर सुखा रही होती है कि उसके सर में दर्द होता है, चक्कर खाकर जमीन पे गिर पड़ती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उसके शरीर में कोई हलचल ना होने पर उसे मुर्दा घोषित कर देते हैं और जलाने के लिए शमशान घाट लेकर जाते हैं। रास्ते में खूब जोरों की बारिश होती है। लोग पहले लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और तब तक उसके शरीर के पास बैठते हैं, पर वह सब डर जाते हैं जब उसके शरीर में कुछ हलचल होती है। उसकी पलक झपकती है, वो करवटें बदलती है और आखिरकार उठकर बैठ जाती है और उसके कदम चलने के निशान जमीन पर पाए जाते हैं। सभी लोग डर जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है और पूरे गांव में उसे भूतिया घोषित कर दिया जाता है। सभी लोग डरे हुए होते हैं। ऐसे में वो कमला अपने दोस्त से मिलने जाती है। उसकी दोस्त कहती है, अरे तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें यहाँ आने दिया? वे दोनों मिलकर पूजा करते हैं, पर तभी अचानक मोमबत्ती बुझ जाती है। उसकी दोस्त को कुछ शक होता है। तभी उसका पति उसे आकर बताता है कि तुम्हारी दोस्त तो एक दिन पहले ही मर चुकी है। उसे जलाने के लिए शमशान घाट लेकर गए थे, लेकिन वो वहाँ से कुछ अजीब सी हरकतें करके गायब हो गई। क्या तुम सच कह रहे हो? उसकी दोस्त तुरंत ही कमला को दूर भगा देती है। फिर वह वापस अपने घर लौटती है और देखती है कि उसके जेठ जेठानी का बच्चा बुरी तरह से बीमार है। उसकी तस्वीर पे हार चढ़ा हुआ है और सभी लोग उसको याद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छी थी, मेरे बच्चे का पूरा ध्यान रखती थी, ऐसा उसकी जेठानी कहती है। कमला ने मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे को प्यार दिया है और आज वो यहाँ नहीं है। ये सारी बातें कमला सुन रही होती है। वह बच्चे के कमरे में जाती है, उसके सर पे ठंडी पट्टियाँ करती है, उसे सहलाती है और प्यार से गोदी में लेती है। बच्चा चाची चाची कहता है। ऐसी आवाज़ सुनकर उसकी जेठानी और जेठ कमरे में आते हैं। उसकी जेठानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह अपने पति को बुलाते हैं और दोनों कहते हैं, अब इस बच्चे का मुँह त्याग दो, तुम जीवित नहीं हो, तुम मर चुकी हो, जाओ। तभी कमला कहती है, मैं जिंदा हूँ, मुझ में सांसें हैं, मैं बोल सकती हूँ, आप मुझे छू सकते हैं, मैं मरी नहीं हूँ। तभी उसकी जेठानी कहती है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बच्चे के लिए यहाँ से चली जाओ। बच्चा भी बुरी तरीके से डर जाता है और आखिरकार कमला उन सब से विदा देती है और अपनी जेठानी को बहुत सारा प्यार देती है। उसके बाद उस गांव को वह छोड़कर चली जाती है। उसी समय गांव के कुछ लोग कमला के जेठ और जेठानी से मिलने आते हैं और बताते हैं, हम कमला को जलाने के लिए शमशान घाट लेकर गए थे, पर सच तो यह है कि उसके शरीर में आई हरकत से हम डर गए थे, हमने उसे जलाया ही नहीं और गांव में ये बात किसी को भी नहीं बतलाई और उसी दिन हम गांव को छोड़कर डरकर भाग गए। पर सच तो यह है कि मरे हुए इंसान कदमों के निशान पीछे नहीं छोड़ता है। बिना परखे और जांचे ही हमने कमला को गलत सोचा और वह अब गांव को छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है। ना जाने वह किस हाल में होगी और कहां भटक रही होगी। क्या कमला गांव में वापस आकर अपने परिवार से मिल पाएगी? क्या लोगों का भ्रम सही है कि वह भूत है या फिर वह सही सलामत और जीवित है? क्या कमला इस गुत्थी को सुझा पाएगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शो योर सपोर्ट एंड इंटरेस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल फॉर पार्ट 2।